हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है जून में, उसके बाद एसबीआई क्लर्क है और उसके बाद आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम्स होंगे। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यदि आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस मेरी लेना चाहते हैं तो मुझे आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरा रेफरल कोड, और जब आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस रेफरल कोड को डालने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 12 महीने के लिए ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो अनअकैडमी की सारी लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है घर बैठे तैयारी करने का। तो ये है मेरा रेफरल कोड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप unacademy.com पर जाकर बसंत सिंघल सर्च कर सकते हैं और ये आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, ये कुछ इधर के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में जो इधर आती हैं वो काफ़ी सटल मिस्टेक्स आती हैं। मतलब आपको दिखाई नहीं देंगी कि कहाँ पर मिस्टेक है, लेकिन बहुत बारीक और बहुत छोटी सी मिस्टेक रहती है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, 5 पार्ट हैं इसमें, तो इसमें किसी एक पार्ट में इरर है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, दिल्ली हैज़ द चीपेस्ट फ्यूल रेट्स अमंग ऑल मेट्रोज एंड मोस्ट स्टेट कैपिटल बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेस। मुंबई हैज़ द हाईएस्ट सेल्स टैक्स और वैट। ठीक है, चीपेस्ट फ्यूल रेट है दिल्ली में, मुंबई में हाईएस्ट है। तो देखिए, जब हम स्टेट कैपिटल्स बोलते हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स की कैपिटल, तो हम स्टेट्स कैपिटल्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्टेट कैपिटल्स। सही फ्रेज है स्टेट कैपिटल्स। तो बी पार्ट इसका गलत है, ये जो पार्ट है इसका ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे इसकी इरर आपको निकालनी होती है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्पाइट अ प्रॉमिस ऑफ, मतलब डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, डिस्पाइट अ प्रॉमिस ऑफ, प्रॉमिस ऑफ वॉट। देखिए, ऑफ के बाद प्रॉमिस ऑफ, यदि आप बोलते हैं बुक ऑफ राम, तो ऑफ के बाद क्या आता है? ऑफ के बाद हम नाउन लगाते हैं, लेकिन ये वर्ड क्या है? ये तो एडजेक्टिव है। तो यहां पर हम बोलेंगे डिस्पाइट अ प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ऑटोनॉमस एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ए पाथ यहां पर इसमें गलत है, बाकी सब सही है। यदि आपको इधर शुरू में ही मिल जाती है तो बाकी पाथ को आप छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, द डिसीजन टू रिजेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू एग्जामिन द डील टू एग्जामिन द डील शुड बी रिकन्सिडर्ड इफ द पॉलिटिकल वॉर। यहाँ से ये सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है, द डिसीजन टू रिजेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू एग्जामिन द डील शुड बी रिकन्सिडर्ड। हाँ सही है, इफ द पॉलिटिकल वॉर ऑफ राफेल, राफेल के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, पॉलिटिकल वॉर जो चल रहा है वो राफेल का वॉर नहीं है, वो राफेल का एक इशू है, इसके ऊपर पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। तो पॉलिटिकल वॉर ओवर राफेल होना चाहिए यहाँ पर, ये ठीक है, ये यहाँ पर ओवर राफेल होना चाहिए। राफेल एक इशू है, यानी सी इसमें गलती है, राफेल का वॉर नहीं है, राफेल के ऊपर वॉर है। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। तो ये हैं टिपिकल बैंकिंग मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स आती हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। अब देखिए, यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर 3 डेज ऑफ ए ग्लोबल सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट, कमांडर अभिलाष टॉमी ऑफ द इंडियन नेवी वॉज रेस्क्यूड बाय फ्रेंच शिपिंग वेसल। देखिए, यहाँ पर गलती है इसमें, ऑन मंडे मॉर्निंग होना चाहिए, ये मंडे से पहले हम ऑन लगाते हैं यहाँ पर, और डी पार्ट में इसमें गलती है, मंडे और डे और डेट से पहले हम ऑन लगाते हैं, टाइम से पहले हम एट लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द मजिस्ट्रेट लेटर रिमांडेड हर इन ज्यूडिशियल कस्टडी टिल अक्टूबर 1। पुलिस सोर्सेज सेट मिसेस सरस्वती वुड बी के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर होगा ये लॉज्ड।
लॉस्ड होगा ये, तो ये पार्ट किस में है, डी में, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो वैन भुवनेश्वर कुमार एंड जसप्रीत बुमराह, इंडियन क्रिकेट टीम के ये दो खिलाड़ी हैं, इनकी इसमें बात हो रही है, कैप्ट, कैप्ट सही है, कैप्ट के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम, कैप्ट कटिंग ऑफ फकास स्कोरिंग एरियाज बाय बॉलिंग स्टम्प टू स्टम्प ऑन ए लीगल लेंथ, यहाँ पर कॉमा दिया है, कॉमा के बाद हम यहाँ पर पिजन पार्टिसिपल लगाएंगे, डिनाइंग हिम रूम, मतलब उन्होंने बॉल की, बॉल वो कर रहे थे और उनको रूम नहीं दे रहे थे, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे थे, बॉल कर रहे थे और रूम नहीं दे रहे थे, जगह नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर डिनाइड नहीं होगा, डिनाइंग होगा, और ये पार्ट जो है ये किस में है, सी में है, जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें चार वर्ड दिए रहते हैं, चार में से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड ग्रामेटिकली गलत हो सकता है या इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, तो इसमें हम देखते हैं एग्जैक्ट की स्पेलिंग सही है, टोटल्ड की स्पेलिंग सही है, TOTALLED, कैजुअलिटीज़ जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई कोई इंजर्ड हो गया एक्सीडेंट में, उसको हम बोलते हैं कैजुअलिटीज़, और पर्सनल की स्पेलिंग गलत है, पर्सनेल बोलते हैं हम इसको, पर्सनेल यानी कर्मचारी जो होते हैं, तो PERSONNEL स्पेलिंग होती है, ए इसमें आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं प्रेशर की स्पेलिंग तो सही है, माउंटिंग सही है, फ्यूचर सही है, एडवेंट की स्पेलिंग गलत है, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी चीज़ का आना, ADVENT होती है ये, तो इसमें आंसर होगा आपका फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स लेकिन बोल्ड नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसमें वोलेशन, वायलेशन की स्पेलिंग गलत है, वायलेशन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, VOI वायलेशन, BOI दिया है, BIO होना चाहिए इसमें, ये इसमें आंसर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं हम प्लेटूड सही है स्पेलिंग, प्रूव्ड सही है, होप्ड सही है, होराइजन HORIZON होता है, होराइजन में ई नहीं आएगा, ये होराइजन की स्पेलिंग गलत है, ठीक है ये नहीं आएगा इसमें, होराइजन थर्ड इसमें स्पेलिंग सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, ये वीडियो क्लासेस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और यदि अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड, ये मेरा रेफरल कोड है, इसके थ्रू आप अनअकैडमी पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ से इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे जो कोर्सेज हैं बैंक PO और बैंक क्लर्क के, उनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।